हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंड एंड स्टॉक्स। देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर अभी हाल ही में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था और एक बोनस इश्यू का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें से आपको याद हो अगर तो 15 फरवरी के नोटिफिकेशन में बोनस इश्यू के प्रपोजल को डेफर्ड कर दिया गया था, यानी कि टाल दिया गया था, आप कह सकते हैं पोस्टपोन कर दिया गया था आने वाली अगली मीटिंग के लिए। और ये न्यूज देखिए, जब आई थी मार्केट में तो एक बहुत शार्प गिरावट हमें देखने को मिली थी एक ही दिन में इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक प्राइस पर। इनफैक्ट अगर उसके बाद का भी आप इसका चार्ट देखेंगे तो लगातार इस स्टॉक ने वहां से गिरावट का दौर जारी रखा। तब उस वक्त इसने एक नया पीक बनाया था 107 रुपए के आसपास का, वहां से ये लगातार गिरता हुआ दिखाई दिया था। और ये देखिए, साफ नोटिफिकेशन था जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा बीएससी इंडिया की साइट पर, कि बोनस इशू को कैंसिल नहीं किया गया है, सिर्फ डेफर्ड किया गया है। लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट्स इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं किसी भी न्यूज के ऊपर कि सिर्फ वो उस न्यूज का ऊपरी हिस्सा देखते हैं और उसी के ऊपर रिएक्शन मार्केट के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। कोई समझना नहीं चाहता कि एक्चुअली में हुआ क्या है, जबकि इरकॉन इंटरनेशनल ने सिर्फ ये कहा था कि उस मीटिंग के लिए डेफर्ड कर दिया गया। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। अब वापस से वही बोनस इशू यहां पर कंसीडर किया जा रहा है आने वाली 5 अप्रैल की मीटिंग में, जहां पर डिसाइड होते हुए हमें ये चीज दिखाई देगी कि कितना बड़ा इस बोनस इशू ये लोग लेके आ रहे हैं, क्या कुछ रिकॉर्ड डेट रहेगी और क्या सारी चीजें इसके अंदर अब होंगी। तो सबसे पहले देखिए, डिटेल में आपको दिखा रहा हूं बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर ले जाकर करंट नोटिफिकेशन और पहले के जो नोटिफिकेशन आए हुए कितना कुछ वहां पर उसके बाद में चार्ट पर बदलता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए, बीएससी इंडिया की साइट पर मैंने सारे नोटिफिकेशन निकालने के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड लगाया है। यहां आप देखेंगे कि एक लेटेस्ट यहां पर इन्होंने इंटीमेशन दिया है आज 30 मार्च 2021 को, जिसके अंदर प्रपोजल फॉर इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर के बारे में बताया गया है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं पिछले एक दो महीने के अंदर। कंपनी का ओएफएस आया, उसके बाद में इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला, उसका भी यहां पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है। डिविडेंड का भी नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, 15 फरवरी 2021 का नोटिफिकेशन, जिसके अंदर क्या दिया गया है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर डेफर्ड क्लियरली यहां पर लिखा गया था। इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी 15 तारीख को भी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि देखिए डेफर्ड किया गया है, ना कि कैंसिल किया गया है। द बोर्ड हैज डेफर्ड द एजेंडा टू इट्स सब्सिक्वेंट मीटिंग। लेकिन इस न्यूज की वजह से इंपैक्ट क्या पड़ा था वो हम चार्ट्स पर देखेंगे कुछ देर में। फिलहाल नया नोटिफिकेशन जो आज का है 30 मार्च 2021 का, उसके ऊपर नजर डालते हैं क्या कुछ दिया गया है। कि इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन मंडे 5th अप्रैल 2021 इंटर एलिया टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर। 5 अप्रैल 2021 को यानी कि सोमवार के दिन एक मीटिंग होगी जिसके अंदर कंसीडर किया जाएगा प्रपोजल ऑफ इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर को, कि कितना बड़ा बोनस शेयर होने जा रहा है, क्या कुछ उसके अंदर फर्दर डिटेल्स दी गई होंगी। देखिए यहां पर अब ये जो दोबारे नोटिफिकेशन आया बोनस इश्यू का, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार चीजें फाइनल होती भी आपको देखने को मिल सकती है। और इसी की वजह से आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त यहां पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर उछाल देखा गया है। आप देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से 8% से ज्यादा की तेजी यहां पर इस स्टॉक ने दिखाई और ये स्टॉक आज 87 रुपए के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। 52 वीक हाई देखिए 108 रुपए 50 पैसे का है 11 फरवरी 2021 को, और 52 वीक 61 रुपए का है इसका 26 मार्च 2020 का। आज की सिक्योरिटी वाइज पोजिशंस आप देखेंगे, 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों के अंदर क्वांटिटी ट्रेड है, 33 लाख से ऑलमोस्ट 34 लाख आप कह सकते हैं इतनी डिलीवरी उठाई गई है, एंड अप्रोक्सीमेटली 30% या परसेंटेज ऑफ डिलीवरी आपको आज इस कंपनी के अंदर आती हुई दिखाई दे जाएगी। देखिए, मैं हमेशा आपको इरकॉन इंटरनेशनल पे जब भी वीडियोस बनाता हूँ, आई थिंक 10 से 15 दिन के अंदर एक वीडियो मैं जरूर बनाता हूँ। बहुत अच्छी कंपनी है, रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री की 100% ओन होली ओन सब्सिडरी कंपनी है और बहुत शानदार तरीके से इनके पास में ऑर्डर बुक है। और इस कंपनी का देखिए जो कोर बिजनेस है वो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, हाईवेज बनाती है ये, ब्रिजेस बनाती है, सिग्नलिंग का काम करती है रेलवे के लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं इनके पास में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल पे। हमेशा मेरा तो यही मानना है कि इस स्टॉक के अंदर आपको सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जितना ये स्टॉक गिरे उतना ज्यादा आप डिप करें, और ये फ्यूचर के अंदर वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। ये एक ऐसी कंपनी है सरकार की तरफ से जो आपको यहाँ पर बहुत चीप वैल्यूएशंस पर आज की तारीख में अवेलेबल है। अब आप देखिए इसके चार्ट्स में आपको दिखा रहा हूँ डेली चार्ट्स,
तो सबसे पहले जो हमने जिक्र किया 15 तारीख का, ये 15 तारीख की बेरिश कैंडल है, ये देखिए कितनी बड़ी बेरिश कैंडल यहां पर बनती हुई आपको दिखाई दी थी। और ये स्टॉक तकरीबन 108 रुपए के लेवल से नीचे गिरकर पहुंचा था, बंद हुआ था 95 रुपीज पर, जबकि उस दिन का डे लो जो था वो था तकरीबन 94 रुपीज के आसपास। ये देखिए इतना बड़ा यहाँ पर शार्प डेक्लाइन देखने को मिला था, और सिर्फ उसी न्यूज की वजह से कि बोनस शेयर यहाँ पर डेफर्ड कर दिया गया है। इनफैक्ट उसके बाद भी आप देखें तो हल्का सा कंसोलिडेशन मोड आपको जरूर दिखाई देगा, कुछ ज्यादा डिसाइसिवनेस नहीं थी मार्केट के अंदर इस स्टॉक को लेके, इसलिए यहाँ पर फर्दर गिरावट का दौर जारी हुआ। और ये स्टॉक पहुंचा कल के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से आप देखें तो लगभग 80 रुपए के आसपास की कल की इसकी क्लोजिंग थी। लेकिन आज जैसे ही न्यूज मार्केट के अंदर बोनस शेयर की वापस आती है, आप देखेंगे कितनी बड़ी यहां पर बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती हुई आपको देखने को मिली है। ये स्टॉक का ओपनिंग प्राइस 81 रुपीज के आसपास है, जबकि क्लोजिंग आज 87 रुपीज के आसपास होती हुई आपको देखने को मिली है। अब यहां पर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि Q4 के रिजल्ट भी अनाउंस होने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन में देखिए ये सारी चीज भी दी गई है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और साथ ही में इस बोनस इशू का भी यहां पर प्रपोजल जो है उसके ऊपर आपको एक मोहर लगती हुई देखने को मिल सकती है। यहां पर देखिए आगे मैं आपको दिखा रहा हूं क्या लिखा है। इट इज हियर बाय इन्फॉर्म द ट्रेडिंग विंडो ऑफ Aircon International विल बी क्लोज फ्रॉम 30th मार्च 2021 टिल द एंड ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर ईयर एंडिंग 31st मार्च 2021 आर मेड पब्लिक। इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर ईयर एंडिंग 31st मार्च 2021 विल बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली। तो ये जो देखिए नोटिफिकेशन है इसके अंदर एक तो बोनस इशू का जिक्र इन्होंने यहां पर कर दिया है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि ट्रेडिंग विंडो को इन्होंने बंद कर दिया एज पर द सेबी रूल्स, क्योंकि इनके फाइनेंशियल रिजल्ट ये लोग पेश करने जा रहे हैं। लेकिन उसकी मीटिंग कब होगी वो एक सेपरेट इंफॉर्मेशन, वो एक सेपरेट नोटिफिकेशन के जरिए इन्फॉर्म किया जाएगा, यानी कि बहुत जल्द आपको इसके Q4 के रिजल्ट्स भी आते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहां से भी देखिए मैं समझता हूं काफी अच्छे आपको आने वाले टाइम में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से इस स्टॉक के अंदर जो गिरावट ये आई थी ये वापस से रिवर्स हो जाएगी और ये वापस से ऊपर की तरफ उन्हीं लेवल्स को अचीव करने की कोशिश करेगा, यानी कि 108 रुपए तक के लेवल्स इसके अंदर वापस से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा तो इसके ऊपर बाय कॉल मेंटेन है, अभी भी आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं करंट लेवल से भी। और Aircon International के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप जितने लंबे टाइम तक के लिए स्टॉक के अंदर रुकेंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको डिविडेंड के रूप में और जो भी कॉर्पोरेट यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट्स आते हैं, चाहे वो बोनस इश्यू हो चाहे वो किसी और तरीके का यहाँ पर बेनिफिट हो, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही में आप वेल्थ भी क्रिएट होते हुए देख सकते हैं Aircon International लिमिटेड के साथ में। तो इस वीडियो को देखिए करते हैं यहीं पर ही एंड। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को अगर आप अच्छा समझते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक टेनेंस स्टॉक्स को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बराबर में दिया बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।